तो मेरी सब्जी कट गई है, आलू गोभी अदरक प्याज सब कुछ। और मैं जो अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ, फटाफट इस तरफ मैं चढ़ा देती हूँ कढ़ाई। और मैंने लिया है पालक, और एक तरफ मैं बनाऊंगी आलू गोभी और इधर छानूंगी पकोड़े। पकोड़े छानूंगी मैं, पकोड़े। आज मैंने जो है दिवाली की पूरी डीप क्लीनिंग कर दी है घर की। आंखें जब भी खुल जाए तो thank you.
मेरे बर्तन जो है क्लीन हो गया है। आज मैं अपना फेस जो है शो नहीं कर रही हूँ, थोड़ी सी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब देख सकते हैं मेरी बहुत बहुत बुरी कंडीशन है इस समय। बहुत ज़्यादा, और मेरा 3 बर्नर होने की वजह से मेरा काम जो है बहुत ईजी हो गया है। तो अभी मैं बनाने वाली हूँ सिरके वाली प्याज, ये है सिरका, विनेगर, और ये है फ्रेंच फ्राइज। आलू बनाने जा रही हूँ, मुझे एक और बर्तन चाहिए आलू के लिए, तो मैं एक कटोरी और यूज़ करने वाली हूँ। चम्मच इसमें किसने रख दिया, तो आलू को मैं कटोरी में जो है ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। ये है मेरा डालडा घी, और ये डब्बे जो है मुझे ओनली 20 रुपए के मिले थे, तो मैं छोटे छोटे डब्बे इस तरीके से लेके आई थी 20-20 रुपीज़ के, तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। ये मेरा पहले का है, तो ये मैं 4 डब्बे लेके आई थी, इसमें कोरिएंडर पाउडर, नमक, हल्दी, ऐसे ऐसे करके मैंने चीज़ों को रखा हुआ है। इसमें हल्दी 6 डब्बे लेके आई थी मैं, आई थिंक, तो ठीक था ये। तो अभी जो है मेरे पानी उबल रहे हैं, और ये प्याज में जो है प्लस का निशान लगाना है। प्लस के निशान से क्या होगा, इसमें फ्लेवर जो है अच्छी तरीके से अंदर तक चला जाएगा इस तरीके से। और इसे 1 दिन के लिए ओवरनाइट रखना होता है। एक्चुअली मेरे पास प्याज इतना ही था, तो छोटे वाले प्याज इससे ही बनते हैं, तो छोटे वाले प्याज मेरे पास इतना ही थे। और ये पानी जो है मैं दिखा देती हूँ, पानी उबल रहा है इस तरीके से, और ये मेरी फ्रेंच फ्राइज गल रही है, तो ये मेरा कट गया है। अब मैं इसमें चीनी ऐड करने वाली हूँ। आई थिंक मेरे फ्रेंच फ्राइज भी पक गए हैं, तो मैं थोड़ा सा आलू कच्चे ना रह जाए, थोड़ा अच्छे तरीके से पका रही हूँ इसको। इसमें क्या हो गया है, ये 1 से 1.5 चम्मच के बराबर मैं चीनी इसमें डाल रही हूँ। सब लोगों का अपना अपना तरीका है, मेरा अपना अलग तरीका है, तो मैं इतना अदरक का जो है टुकड़ा डाल रही हूँ बस फ्लेवर के लिए। आलू मेरे फ्रेंच फ्राइज जो है डन हो चुके। तो ये मेरा बन चुका है, तो मैं इसको इसमें छान लूंगी इस तरीके से। तो अब मैं इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रखूंगी, और इसी बॉयल से मैं चावल बना लूंगी, क्योंकि चावल खाने के लिए बस मैं और निशु हैं,
तो खाना खाने वाला कोई है नहीं, तो मेरा जो है सिरके वाला प्याज रेडी हो गया है, इसमें कलर नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ मैं मेरे पास खाने वाला येलो कलर है, तो मैं येलो कलर डाल देती हूँ।